बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में गोविंदा का कद एक बड़े सुपरस्टार जैसा था और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए काफी कुछ कड़ी मशक्कत भी की है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गोविंदा को लेकर आलम यू था कि 90s के दौर में गोविंदा की चर्चाएं चारों तरफ की जाती थी और उस दौर में गोविंदा का स्टारडम बाकी बड़े सुपरस्टारों पर भी भारी पड़ता था। लेकिन तब क्या हुआ जब गोविंदा उस दौर के एक बड़े सुपरस्टार के गुस्से का शिकार हुए और उस सुपरस्टार ने गोविंदा को थप्पड़ तक रसीद कर दिया था, तो ये कोई और नहीं बल्कि धर्मेंद्र थे। अभिनेता धर्मेंद्र फिल्मी पर्दे पर हमेशा अपनी दबंगई के लिए जाने जाते रहे। उनकी यह दबंगई पर्दे के पीछे भी रही है, जिसका शिकार बॉलीवुड में ही कई अभिनेता हो चुके हैं। धर्मेंद्र उन बेहतरीन सुपरस्टारों में से एक थे जो अपनी बेबाक बोल के लिए काफी ज्यादा मशहूर रहते थे। धर्मेंद्र को अगर कोई भी बात पसंद नहीं आती थी तो इस बात से वो कभी भी झिझक नहीं करते थे कि सामने वाला उनकी बातों का बुरा मानेगा या फिर नहीं। अपनी बातों को वो सबके सामने बड़े बेबाक तरीके से रखते थे, तभी तो धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री के दबंग अभिनेताओं में से माने गए। लेकिन धर्मेंद्र की इसी दबंगई का शिकार एक बार गोविंदा भी हुए। जब गोविंदा द्वारा हेमा मालिनी की फिल्म के लिए डेट्स ना दिए जाने से नाराज धर्मेंद्र ने गोविंदा को थप्पड़ तक मार दिया था। यह बात तब की है जब बतौर निर्माता हेमा मालिनी महेश भट्ट के निर्देशन में फिल्म अवारगी का निर्माण कर रही थी। हेमा ने इस फिल्म में अनिल कपूर के साथ गोविंदा को कास्ट किया था, लेकिन गोविंदा अनिल कपूर के साथ काम करने को राजी नहीं थे, इसलिए फिल्म के लिए डेट्स ही नहीं दे रहे थे। गोविंदा के इस रवैये के कारण फिल्म लगातार लेट होती जा रही थी, जिसके कारण हेमा मालिनी को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। अब जाहिर सी बात है, अगर उस फिल्म के निर्माता है, अगर गोविंदा को ये फिल्म नहीं करनी है तो जाहिर सी बात है उन्हें साफ तौर पर मना कर दे। लेकिन गोविंदा धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, इसलिए वो आनाकानी करने लगे। लेकिन बाद में महेश भट्ट ने हेमा जी को गोविंदा को फिल्म से निकाल कर किसी और अभिनेता को ले लेने को कहा, लेकिन हेमा चाहती थी कि गोविंदा ही इस फिल्म में काम करे। जब गोविंदा के इस रवैये की खबर धर्मेंद्र तक पहुंची तो उन्होंने गोविंदा को सफाई देने के लिए अपने घर बुलाया। बताया जाता है कि गोविंदा एक दिन धर्मेंद्र के घर पहुंचे और उन्होंने धर्मेंद्र के सामने डेट्स ना होने का बहाना बनाना शुरू कर दिया, जिसे सुनते ही धर्मेंद्र ने अपना आपा खोते हुए एक जोरदार थप्पड़ गोविंदा को रसीद कर दिया। धर्मेंद्र ने इस थप्पड़ से अवाक गोविंदा से कुछ कहते ही नहीं और वो वहां पर बैठ गए। मौके की नजाकत को समझते हुए हेमा मालिनी बीच में आ गई और दोनों को शांत करवाया। आखिरकार गोविंदा इस फिल्म में काम करने को राजी हो गए। महेश भट्ट के निर्देशन में बनी यह फिल्म 1990 की हिट फिल्म साबित हुई और अपने करियर में महेश भट्ट और गोविंदा की यह पहली और आखिरी फिल्म थी। भले इस दौर में जैसा मर्जी गोविंदा का धर्मेंद्र के प्रति रवैया हो, लेकिन हमेशा से ही धर्मेंद्र की वो काफी ज्यादा इज्जत करते आए हैं। गोविंदा हमेशा से धर्मेंद्र को अपना आइडल मानते रहे हैं और उनके ही नक्शे कदम पर वो चलना भी चाहते थे। भले ही धर्मेंद्र ने उस दौर में गोविंदा को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया था, लेकिन ये बात उन्हें बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी थी, क्योंकि वो धर्मेंद्र पाजी की बहुत ज्यादा इज्जत भी करते थे। अब गोविंदा धर्मेंद्र पाजी की कितना ज्यादा इज्जत करते थे ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। गोविंदा धर्मेंद्र के बहुत बड़े या फिर कह लीजिए कि जबरदस्त प्रशंसक रहे हैं। वो न केवल धर्मेंद्र की एक्टिंग के बल्कि उनकी फिटनेस के भी मुरीद रह चुके हैं। ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि गोविंदा की नज़र में धर्मेंद्र मोस्ट हैंडसम मैन है, और इस चीज से एक और बेहद दिलचस्प किस्सा भी जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो जिस वक्त गोविंदा की पत्नी सुनीता प्रेग्नेंट थी, तो गोविंदा ने भी ऐसा सुना था कि जब महिला गर्भवती हो और उसे खूबसूरत इंसान की तस्वीर देखे तो बच्चा भी वैसे ही होता है। और इसके बाद देखने वाली बात तो यह रही कि गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता को धर्मेंद्र की तस्वीर दी और इस फोटो को वो हमेशा अपने पास रखती थी। वहीं जब ये बात गोविंदा ने धर्मेंद्र को बताई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने बड़े ही प्यार से गोविंदा को अपने गले लगा लिया था। आज जब भी गोविंदा कभी भी किसी फंक्शन या किसी बड़े समारोह में धर्मेंद्र पाजी के सामने होते हैं तो हमेशा से ही उनका आदर सम्मान करना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना गोविंदा कभी भी नहीं भूलते।